जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी फेज में भी यही बताया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट आर टेनेट्स रिगार्डिंग लिबरल ह्यूमनिज्म। जैसे कि मैं बताया ऑलरेडी इन डिस्कस दैट देर आर 10 टेनेट्स इन अ लिबरल ह्यूमनिज्म। तो लिबरल ह्यूमनिज्म वॉज एक्चुअली द बेस ऑन विच द थीरीज केम अप इन टू एमरजेंस। लाइक द वे एवरी वन कम्स अप, a few of them started following, like the way every school of critic is different from other. So certainly बाहर ये था कि इसमें जो है ना लिबरल ह्यूमनिज्म ने बेस प्रोवाइड किया। ह्यूमनिज्म में ये है कि इंसान को इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कि इंसान लिबरल होके सोचे। बिकॉज मतलब ये एक्चुअली ये था कि ये एक मूवमेंट है जिसके अंदर क्या कहेंगे कि एक मतलब सेकुलर किस्म की अप्रोच है, ठीक है जी, टुवर्ड्स द लिटरेचर। मतलब एक सोशो पोलिटिकल बैकग्राउंड का कोई तल्लक नहीं होना चाहिए, बायोग्राफिकल अप्रोच नहीं होनी चाहिए आपको कोई, मतलब जो है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया भी था कि एक्सप्रेशनिज्म होती रही है। एक्सप्रेशनिज्म में ये होता है कि वो जैसे रोमांटिक पोइट्री है दैट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द पोइट्स माइंड, पोइट्स आइडियाज, वट द पोइट थिंक्स, वट द पोइट डज। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स हिज वर्क वी हैव टू कम टू नो अबाउट हिज बायोग्राफी, हिज लाइफ स्टाइल, के इन विच एरिया द पोइट वॉज हैप्पी, तो द हैप्पी पोइम्स वर प्रोड्यूस, एंड इन विच एरिया द पोइट वॉज इरा द पोइट वॉज सैड, द सैड पोइम पोइट्री ऑल्सो क्रिएटेड। सो इन दिस वे हाउएवर, अब ये जो लिबरल ह्यूमनिज्म है इनकी ये अप्रोच है, ये एक मैंने कहा था कि एक प्लेटफॉर्म था विच प्रोवाइड्स दैम टूवर्ड्स विच बेस ऑन द न्यू क्रिटिसिज्म, एंड न्यू क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म गिव राइज टू द अदर लिटरेरी थ्योरी। के टेक्स्ट हैज़ इट्स ओन मीनिंग, राइट, इट्स इंडिपेंडेंट। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर एम्बिग्विटीज होती हैं, टेक्स्ट के अंदर और बहुत कुछ होता है, उनको अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो मीनिंग समझ आ जाते हैं। तो मीन्स कि हमें कोई उसके बायोग्राफी, कोई इसका सोशियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इंसान जो बात कर रहा होता है वो बड़ी इटर्नल होती है। तो ये लिबरल ह्यूमनिज्म पहला टेनेंट भी यही है कि मतलब टाइमलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लाइक द वे जिस तरह वो बताते हैं कि शेक्सपियर ने जो कुछ भी लिखा वो टाइमलेस है, दैट इज़ फॉर ऑल एजिस, राइट, दैट इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर एज। सो इन दिस वे वी कैन से कि मतलब जो है ना पहला जो उनका टेनेट है वो यही बताता है। लेकिन इनको अब मैंने आज थोड़ा सा इनका काउंटर भी बताना है कि अगर इनके ऊपर काउंटर क्रिटिसिज्म हुई है तो दूसरी थीरीज कैसे इनके अपोज कर करके उन्होंने अपनी बेस बनाई है। तो हम देखते हैं ना कि इंसान की क्या बातें हैं, किस तरह उसकी आइडेंटिटी है, उसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरह लैंग्वेज, अब कहा जाता है कि लैंग्वेज इज अ मतलब जो है ना इमेजरी वगैरह बनती है इसके अंदर से और बहुत ये परमानेंट होती है। तो आगे चल के ये बात होगा कि लैंग्वेज किस तरह फ्लूड हो गई है, लैंग्वेज के मीनिंग्स चेंज हो गए हैं, लैंग्वेज के अंदर जो है ना बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो लेकिन अब भी पहले हम इसके बारे में ध्यान करते हैं। तो गुड लिटरेचर इज़ टाइमलेस सिग्निफिकेंस। जैसे कि मैंने बताया कि शेक्सपियर का लिटरेचर जो है ना अकॉर्डिंग टू सर बेन जॉनसन, उनका मुताबिक ये है कि जो है ना लिटरेचर जो शेक्सपियर ने लिखा दैट इज अपील टू एवरी एज, राइट जी। उसके बाद जो है ना दूसरा टेनेट है इनका, द लिटरेरी टेक्स्ट कंटेन्स इट्स ओन मीनिंग विद इन इटसेल्फ। जैसा कि मतलब अब यहाँ पर ये यह आएगा ना कि देर इज नो नीड फॉर सोशियो पोलिटिकल लिटरेरी हिस्टोरिकल और ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच, राइट द वे। अब ये था कि इसने क्या किया कि लिटरेचर को ये बताया कि मतलब जो है ना क्लोज रीडिंग, टेक्स्ट रीडिंग इज इसेंशियल। लाइक द वे जिस तरह आई ए रिचर्ड्स आगे आके बात करेगा, क्योंकि इसके जो बानी है, जो फाउंडर्स हैं, दैट इज आई ए रिचर्ड, विलियम एम्पसन, राइट, एफ आर लेविस, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। और वो फिर लोग वो कैसे बताएंगे कि मतलब बात के अंदर, मीनिंग्स के अंदर, सिंटेक्स के अंदर किस तरह एम्बिगुइटी होती है। अगर हम इन एम्बिगुइटीज को समझ जाएँ, ठीक है जी, ये जो है ना एम्पसन बता रहा है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी उसने बयान की है कि लैंग्वेज के अंदर बहुत सारा कंट्रास्ट होता है, मीनिंग्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वो उसने फिर बातें की, फिर आई ए रिचर्ड्स ने भी बताया कि हाँ सर्टनली देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन पैरामीटर टू अंडरस्टैंड एनी वर्क ऑफ पीस ऑफ लिटरेचर, लाइक टून, इंटेंशन और भी चीज़ें। इनको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इन्हीं को ही हमने डिस्कस करना है। तीसरा इनका टेनेट है जी जो है, टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेल इट मस्ट बी डिटैच फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट एंड स्टडीड इन आइसोलेशन। अगेन ये उसी का ही दूसरे टेनेट का ही तकरीबन जो है ना, तो मतलब अगर हम इसको आइसोलेटेड देखें तो उसके अंदर से मीनिंग कुछ और निकलेंगे। क्योंकि आई ए रिचर्ड ने भी ये बाद में एक्सपेरिमेंट किया था ना, कुछ पोइट्स को उसके स्टूडेंट्स को एक अपनी जो टीचर एज अ टीचर दो डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में,
और उसमें एक को ये बताया कि आप लोग जो है ना राइटर के बारे में जानते हैं कुछ, उन बैकग्राउंड बता दी, कुछ को कहा कि नहीं आप यू डू नॉट नो अबाउट द बैकग्राउंड, और उसमें फिर जो जो नहीं जानते थे राइटर की बैकग्राउंड को उन्होंने मीनिंग ज्यादा क्लास ने, तो इस तरह ये चीजें जो है ना आइसोलेटेड स्टडी जो है ना उसको प्रेफर किया गया। तो ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली अनचेंजिंग। उसके बाद ह्यूमन नेचर जो है वो रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, इवन दो वी हैव एडवांस्ड ड्रास्टिकली, वी हैव एडवांस्ड जो है ना वंडरफुली वेल, बट स्टिल वी आर लैकिंग इन जो है ना मतलब हमारी नेचर जो है वो चेंज है। जैसा कि हम पेरिनियल डिजायर जो है ना वो हमारी सेम रही है, अगर चे कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है जो अब एडवांस हो गए मटेरियली, बट स्पिरिचुअली वो स्टिल आउट ऑफ द वे। देन जो है पांचवा उसका टेनेट है, इंडिविजुअलिटी इज समथिंग सिक्योरली पोजेस्ड विद इन ईच ऑफ अस एज यूनिक एसेंस। बेटा चुप करो, पैसे अच्छा मैं देता हूँ आपको, सॉरी ये बच्चा जो है ना। अच्छा जी बेटा यार ना आसान हो रही है थोड़ी सी मेरी रिकॉर्डिंग, अगर पता नहीं है मुझे ये भी नहीं ना पता कि रिकॉर्डिंग दोबारा भी हो जाएगी कि नहीं, तो लेकिन मैं एक मिनट के लिए मुझे ना इसको म्यूट करता हूँ, प्लीज़ ये ना अंडरस्टैंड कीजिएगा, अजान हो रही है, अजान का जो है ना मुझे करना पड़ेगा। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये अजान को ऐसे में ब्रेक करनी पड़ी। नाउ वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द फिफ्थ कैनन ऑफ टेनेट और कैनन अबाउट द लिबरल ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिटी इज समथिंग सिक्योरली पजेस विद इन ईच ऑफ अस, मीन्स के अब इंसान को इतनी प्रेगनेंस जो प्रेफरेंस दी जा रही है ना, लाइक द वे ह्यूमन नेचर कैन नेवर चेंज, लाइक द वे जो हम जैसे हीरोज देखते हैं, ठीक है जी, इन्होंने चूंकि एक उसका सेकुलर व्यू दे रहे हैं रिलीजियस, वो बताते हैं कि इंडिविजुअलिटी कैन नेवर चेंज। इससे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको हार्डी की, राइट, उसका मेन करेक्टर था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा डिस्कस भी किया था, कुछ और भी हम जिस मर्जी हीरो को देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल उसका एसेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, राइट, वो टिपिकल हो सकता है लोगों की एक टाइप से रिलेटेड हो सकता है, बट ही वुड रिमेन यूनिक इन हिज इंडिविजुअलिटी, राइट। एनी करेक्टर जैसे कि मैंने उस दिन बताया भी था आपको कि हार्डी का एक करेक्टर है, उसमें वो ये बता रहा है कि रिटर्न ऑफ द नेटिव, वो मतलब जो है ना वहाँ पर जाता है फ्रांस के अंदर, ठीक है जी, बर्तानिया से, तो वापस आके उसका एम ये होता है कि मैं बच्चों को एजुकेट करूँ, बट वेन ही कम्स बैक ही मीट विद अ फीमेल विद इमोशनल नेचर, ही वॉज होपिंग कि इफ आई गेट मैरी तो ही विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ वर्ल्ड टूर, बट द कंट्रास्ट वॉज डेयर, सो इन दिस वे अब क्या हुआ कि वो मतलब उनका क्लैश हुआ टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, कि मतलब उसका वाइफ की डेथ हो गई, मतलब वो अब एज यू नो हार्डी जो है उसमें वो दिखाता है तो मतलब उसके रोल ऑफ चांस, रोल्स ऑफ एक्सीडेंट्स, उनका बहुत ज़्यादा रोल है, तो मतलब एंड में सेंस ये निकला कि वो उसको उसकी वाइफ उसकी मदर के साथ उसने अपोज करके उस लड़की के साथ शादी की थी, उसके बावजूद जो है जो क्लाइन नामी हीरो है उसकी एसेंस जो है ना वो चेंज नहीं हुई, वो यूनिक रहा, और उसने कहा कि मैंने जो स्कूल मेकिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल द पुअर, तो आई विल कीप इट कंटिन्यू, ओके, एंड ही कैप्ट इट। सो इन दिस वे एवरी इंडिविजुअल, वो क्योंकि हीरो का काम यही है कि वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस को हमेशा ओवरकम करता है, तो ये भी लिबरल ह्यूमनिज्म के अंदर एक फिफ्थ पॉइंट है कि इंसान जो है वो एक अपनी सेंस रखता है इंडिविजुअल, वो दूसरों के साथ मिक्स तो हो सकता है, मैच तो हो सकता है, मिक्स नहीं हो सकता, तो ये जो है ना। उसके बाद सिक्स, ये जो बुक है जो मैं जिस जहाँ से ये बता रहा हूँ कुछ मैंने आपके साथ पहले कल से भी शेयर किया था पॉइंट्स, ये है जो है ना बिगनिंग थ्योरी बाय क्या नाम है इसका, पीटर बैरी, राइट जी। तो ये आप मैं इसके पेजेस इसके पिक्स लेके ना मैं आप लोगों को ये भी शेयर कर दूंगा डिटेल से भी, अभी तो हमने इसके जो ब्रीफ पॉइंट्स थे वो शेयर किए थे ना कल। द पर्पज ऑफ सिक्स है जी इसका कहना, द पर्पज ऑफ लिटरेचर इज एसेंशियली द एनहांसमेंट ऑफ लाइफ एंड प्रोपोगेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, तो इसमें ये भी है के मतलब ह्यूमन वैल्यूज को आगे इंक्रीज करना चाहिए, प्लेजर, उसके बाद मॉरल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, एनी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब जो ना
आर्ट फॉर आर्ट से एक नहीं होनी चाहिए, मतलब आगे ये बातें फिर हुई ना, इसको भी ये पोजेबल एक्ट है ये, कि मतलब मोरालिटी सिखानी चाहिए। तो इस पे भी क्रिटिक्स कुछ ये कहते हैं कि अगर आपका पहले से ये व्यू हो कि आप लोगों ने कुछ मोरालिटी का ही मतलब मॉरल विजन रखा हुआ अपना, तो सर्टनली फिर एस्थेटिक विजन जो है ना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी फिलिप सिडनी ने ये कहा हुआ है कि मतलब मॉरल विजन होना चाहिए, मतलब जैसे जॉन कीट्स है राइट जी, तो वो कहता है कि ब्यूटी ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, तो उसने तो ये कहा है कि जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली सच्चाई है, और जो सच्चाई है दैट इज रियलिटी है। तो वो ये कहता है, अब मतलब उसका मतलब ये है कि जो हमारी आंखों को अपील करे, स्टैटिक मतलब इमोशन रखने वाली चीज है, वो हमारी आंखों को ज्यादा अपील करेगी। तो इसलिए आर्ट का मकसद जो है ना ये नहीं होना चाहिए। आप देखें ये बाद में जो है ना, ये पहले भी इससे निगेट होती रही कुछ, क्योंकि ये दो स्कूल है, एक मॉरल विजन वाला है और एक आर्ट फॉर आर्ट से है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट जो है ना इसका ये है कि मतलब प्रोपोगेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, कि अगर क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो थॉट है वो इटर्नल है। देखें ना इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम लोगों की जितनी डेवलपमेंट जो हुई है, प्रोग्रेस हुई है, वो आज तक मटेरियल प्रोग्रेस ड्यू टू अवर आइडियाज एंड विजन हुई है। तो सर्टनली अब इन चीज़ों को भी मतलब जो है ना वो हम मानते हैं, लेकिन अगेन जो है ना कि मतलब हमारी वैल्यूज जो है ना हमें पहले सिखानी चाहिए, तो फिर वो आर्ट जो है वो आर्ट नहीं रहती अकॉर्डिंग टू द अदर स्कूल ऑफ थॉट। फॉर्म एंड कंटेंट इन लिटरेचर मस्ट बी फ्यूज इन एन ऑर्गेनिक वे, नेचुरल वे। हालांकि देखे ना हम जितना ये फॉर्मलिज्म भी यही बात करेगी, ये थ्योरी जो है इसके ऊपर सारी बेस कर रही है कि ऑर्गेनिक वे मतलब एक प्रॉपर ऐसे लगे कि जैसे एक इनका फॉर्म और कंटेंट जो है किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के वो फ्यूज हुए हैं, फ्यूजन हुई है उनकी नेचुरल, सो दैट वन ग्रोज इनएविटेबली फ्रॉम द अदर। तो मतलब फॉर्म कंटेंट से निकले, कंटेंट फॉर्म से निकले। अब मैंने बताया कि आगे चल के इनकी भी निगेशन हो गई है कि मतलब देखे ना अगर हम लोग ऑर्गेनिक नेचुरल ऑर्गेनिकिटी जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं, तो फॉर्म और कंटेंट को करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं इसके एग्जांपल दूंगा, न्यू स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर वो न्यू क्लासिकल में ये होता है कि वो क्लासिकल को रिवाइज करते हैं और वो कहते हैं कि फॉर्म जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट्स के साथ साथ मिलते हो, जैसे कि जो आपका विजन है, जो आपने बात कन्वे करनी है, जो आपका आइडिया है, वो बिल्कुल फॉर्म के एक्सप्रेशन के साथ मिलता हो। जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप है, अलेक्जेंडर पॉप ने जितनी पोइट्री लिखी है वो सारी की सारी इसी बारे में है कि मतलब जो है ना कपलेट के अंदर, हीरोइक कपलेट के अंदर लिखी है, मतलब उसका आयम्बिक पेंटामीटर है, उसका मतलब जो है ना वो राइम स्कीम रिदम स्कीम है, तो मतलब उनका एक्सप्रेशन भी वही लग रहा होता है और उनका कंटेंट भी जो मतलब जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो भी मैटर और जो मैनर है दैट ऑलमोस्ट सेम, बट स्टिल इसके अगेंस्ट भी एक स्कूल ऑफ थॉट आ गया। तो लिबरल ह्यूमनिज्म के अंदर ये मतलब ये चीजें जो है ना कंसोलिडेट की जा रही हैं, लेकिन मैंने बताया कि इनको जो एवरी आइडिया इज अपोजेबल फॉर बाय द अदर। तो उसके इसमें भी ये वो ये कहते हैं जैसे रोमांटिक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि हाँ आपके कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए, एक्सप्रेशन अगर आपका कोई इतना अच्छा नहीं भी आ रहा तो इट डजेंट मैटर, ठीक है जी। तो आपके आइडियाज जो है ना वो वर्डवर्थ, कॉलरेज और इस तरह के लोगों ने आगे आके प्रमोट किया, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पेशली वर्डवर्थ जो है, कॉलरेज तो थोड़ा सा ये भी कहता है कि फॉर्म को भी ख्याल रखना चाहिए, बट कॉलर जो वर्डवर्थ है विलियम वर्डवर्थ, वो तो ये प्रेफर करता है कि हम लोगों को कंटेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए, ठीक है जी, वाइल राइटिंग अ पोइट्री। तो अपने कैनवस भी बता रहा है बिकॉज ही इज आल्सो अ क्रिटिक नॉट ओनली अ पोइट। सो एट्थ जो इसका पॉइंट है, दिस पॉइंट अबाउट ऑर्गेनिक फॉर्म अप्लाइज अबव ऑल सिंसियरिटी। उसमें ये भी बताता है कि जो ह्यूमन लिबरल ह्यूमनिज्म जो है इसके अंदर ये भी जो ह्यूमन को इतना सिंसियर होना चाहिए कि वट एवर ही प्रोजेक्ट्स इट मस्ट लुक लाइक अ रियलिटी, मतलब रियलिज्म मस्ट बी द हॉलमार्क ऑफ एनी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क। सो देयर आल्सो मतलब लेकिन आप जो देख लें मैजिक